कोल स्मगलिंग मामले में जांच पड़ताल की आंच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के परिवार तक जा पहुंची है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर उनकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंची। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम ने कहा कि वो रुजीरा नरूला बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। इस बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सीबीआई की तरफ से मेरी पत्नी को नोटिस भेजा गया है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी को कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में नोटिस दिया। सूत्रों ने बताया कोल स्मगलिंग मामले में जांच अधिकारी की अगुवाई में 3 अफसरों की टीम रुजीरा बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में कोयले की अवैध चोरी का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कोयला माफिया किंग पिन अनूप मांझी उर्फ लाला और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पिछले साल 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।